पनवेल महानगर पालिका के अधिकार क्षेत्र और सिडको के सेवा क्षेत्र खारगढ़ सेक्टर 12 में आने वाले बी और एफ कॉलोनी के भीतर रास्तों की हालत बहुत ही खराब होने के कारण यहां के स्थानिक जनता को इन खराब रास्तों पर चलते वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते इस रास्तों पर एक्सीडेंट की वारदाताओं को भी अंजाम मिला है, जिसमें बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। अगर इन रास्तों की मरम्मत नवंबर महीने के आखिर तक नहीं की गई तो सिडको प्रशासन के खिलाफ आमरण अनशन किया जाएगा, ऐसा इशारा भारतीय जनता पार्टी के खारगढ़ शहर अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने अपने लिखित निवेदन में सिडको को सौंपा है। अपने चेयरमैन श्री प्रशांत ठाकुर जी को रजूआत करके हमने 12 करोड़ का टेंडर खारगढ़ के रोड के लिए निकाला। आज उसके 6 महीने हो गए। बारिश के पहले इसका काम का प्रारंभ हुआ था, बाद में हम देख रहे हैं कि बहुत समय से काम रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं खारगढ़ के। तो भारतीय जनता पार्टी का खारगढ़ शहर के अध्यक्ष के नाते अब वो स्थिति आ गई है कि सिडकों के जो अधिकारी है जो निरस्त की स्थिति में काम कर रहे हैं, जिनके कारण हमारे चेयरमैन आदरणीय प्रशांत ठाकुर जी जो आमदार है उनको भी नीचा देखने का वक्त आता है। तो हम सभी कार्यकर्ता का एक फर्ज बनता है कि ऐसे जो प्रशासकीय अधिकारी है उनको भी हमको बताना चाहिए कि अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो हम लोग कुपोषण करके आंदोलन करके हम ये जो प्रजा परेशान है रोड के कारण उसका हम लोग उजागर करेंगे और जल्द से जल्द खारगढ़ में रोड बने, इसलिए पूरा भाजपा कटिबद्ध है। तो हा सेक्टर 12 BUDP एरिया मधील स्पेशल आपण जिथे उभे आहोत तो बी टाईप मागे एफ टाईप आणि जी टाईप इथल्या रस्त्याची दुर्दशा तुम्ही इकडे पाहतोय आणि वेळोवेळी आम्हीच नव्हे तर प्रत्येक राजकीय पदाधिकारी असतील विविध, त्यानंतर राजकीय सामाजिक संस्था आहेत, काही सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, ह्या सर्वांनी आपल्या निवेदनाद्वारे ह्या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी मागणी केली होती। परंतु एकंदरीत सिडकोचा काम करण्याबद्दलची जी निगेटिव्हिटी आहे ती ह्यावरून दिसून येते। आज होईल उद्या होईल ह्या अपेक्षेने राहता राहता आज पावसाळा पूर्ण निघून गेला, पावसाळा जाऊनसुद्धा आता जवळजवळ 15-20 दिवस झाली आहे। जर हा रस्ता आता झाला नाही आहे तर आम्हाला कठीण वाटते की पुढे काम होईल की नाही आहे। म्हणून एक शेवटचा इशारा म्हणून आम्ही त्यांना एक उपोषणाचा ताकीद दिली त्यांना दिलेली आहे। अब देखना ये है कि भाजप के ब्रजेश पटेल जी के अनशन के इशारे से डरकर सिडको अपना काम पूरा करेगी या ब्रजेश पटेल जी को सिडको खुद के खिलाफ अनशन पर बैठने को मजबूर करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषिकेश के साथ सुदीप घोलप की रिपोर्ट, पालिका प्रशासन खारगढ़।